नमस्कार, मैं ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, प्राचार्य मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, हाजीपुर वैशाली बिहार, NIOS के इस कार्यक्रम में आप सभी शिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की चर्चा में हम आपके साथ पाठ्यक्रम 503 के ब्लॉक 3 में वर्णित साहित्य शिक्षण के उद्देश्य विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर निरंजन सहाय। नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन। निरंजन सहाय जी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं और भाषा शिक्षण, विशेषकर हिंदी शिक्षण के साथ इनका वर्षों पुराना रिश्ता है और जुड़ाव है। साहित्य शिक्षण के उद्देश्यों पर चर्चा की शुरुआत करने से पहले निरंजन जी, आपसे आग्रह यह है कि अब तक हमने एक तरह से भाषा शिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर अपने शिक्षार्थियों से बातचीत की है और यह संदर्भ साहित्य शिक्षण का है। भाषा और साहित्य के शिक्षण के उद्देश्यों की जो एक रूपता है और जो विविधता है, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि साहित्य शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं और विशेष करके प्रारंभिक स्तर पर। ज्ञानदेव जी, साहित्य और जीवन का गहरा संबंध है जी। पुराने जमाने से मनुष्यता के विकास के इतिहास में साहित्य की भूमिका रही है। अक्सर आपको लोग साहित्यिक रचनाओं के बारे में बातचीत करते हुए देख जाते हैं। लोग साहित्यिक रचनाओं को बेहद चाव से पढ़ते हैं। लोग यह भी कहते हैं कि कैसे किसी रचना ने उनका जीवन ही बदल दिया या उनकी सोच में कैसे बदलाव आ गया। साहित्य पढ़कर व्यक्ति संवेदनशीलता के विभिन्न आयामों से परिचित होता है। इस तरह की बहुत सारी बातें कही जाती हैं। यह प्रश्न उठना एकदम स्वाभाविक है कि वे कौन से तत्व हैं जी जो किसी रचना को साहित्यिक गुणों से संपन्न कर देते हैं, या हम किनको साहित्यिक रचनाएं कहते हैं या मान सकते हैं। जी तो यह देखना दिलचस्प अनुभव है कि किसी रचना को साहित्यिक गुणों से संपन्न करने वाले तत्व कौन से हैं, या अभिव्यक्ति के विविध रूपों को साहित्य संसार ने किन रूपों में पहचाना है। एक बात यह जरूरी है याद कर लेना कि यदि भाषा शिक्षण के नजरिए से साहित्य की दुनिया में हम जाते हैं तो हमें क्या हासिल होता है। अन्य शब्दों में, अभिव्यक्ति कौशलों में वे कौन से नए आयाम जुड़ते हैं। सबसे पहले यह समझें कि आखिर वह कौन सी बात है जिसके चलते कोई रचना साहित्यिक बन जाती जी। है। पुराने जमाने में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था और उसके भी पहले किसी भी रचना के लिए वांग्मय शब्द का व्यवहार होता था। वांग्मय यानी वाक्मय, अन्य शब्दों में शब्द संसार। लेकिन ज्ञान का संसार भी शब्दमय है और साहित्य का संसार भी शब्दमय है, फिर दोनों में अंतर क्या है। हाँ, यह जो ज्ञान के संसार का जो आशय है और साहित्य, मुझे लगता है कि इसको हम इस तरह से कहें कि जो साहित्येतर या अन्य विषयों में जो शब्द हैं, क्योंकि अब साहित्य को ज्ञान नहीं मानना मुझे लगता है कि थोड़ी परेशानी तो हो सकती है जी, लेकिन साहित्येतर विषयों में जो शब्दावली है और साहित्य में जो जिस तरह शब्दों की उपस्थिति है, इन दोनों में क्या फर्क होगा। जी यह बहुत गौर करने लायक बात है कि ज्ञान के जो अन्य अनुशासन है, जैसे विज्ञान हम पढ़ते हैं, इतिहास हम पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, या इस तरह से ज्ञान अर्जन की जितनी भी परंपराएं हैं उनमें, और जिन्हें साहित्य हम कहते हैं जिसमें कविता शामिल है, कहानी शामिल है, उन दोनों की भाषाओं में क्या फर्क है। जी, जैसे साहित्य की भाषा, कविता में तो आप हिंदी में, यदि हम कोई कविता लिखते हुए, ये लिखने की पूरी छूट हमें है कि हम कहें कि आकाश में फूल खिले हैं, लेकिन विज्ञान की पुस्तकों में ये नहीं लिख सकते जी, वहाँ तो तारे ही लिखने पड़ेंगे। यहाँ बिंब और प्रतीक का प्रयोग कर सकते हैं। मेरा आशय इसी शब्दावली की तरफ है कि हम जरा इस फर्क को जान सकें कि साहित्य और साहित्य के अतिरिक्त जो ज्ञान अनुशासन हैं, अन्य विषय हैं, उनकी शब्दावली में
क्या फर्क है और ये फर्क आखिर आता क्यों है? जी जी, ये महत्वपूर्ण ये है कि ये फर्क आता क्यों है? जी जी जी, देखिए एक बहुत बड़े काव्य शास्त्री थे, उनका नाम भामह था। उन्होंने किताब लिखी काव्य अलंकार। छठी शताब्दी के भामह के काव्य अलंकार में उन्होंने एक सूत्र दिया। उन्होंने कहा कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्द और अर्थ का सहित भाव काव्य है। जी, तो शब्द और अर्थ का सहित भाव तो अन्य विषयों में भी होता है, पर साहित्य में कौन से सुरखाब के पर लग गए कि शब्द और अर्थ में यहां कौन सी ऐसी बात हो गई? तो दरअसल इस बात पर गौर करें कि उनके कहने का आशय क्या है। असल में केवल साहित्य ही ज्ञान का ऐसा अनुशासन है जिसमें शब्द और अर्थ में होड़ मची होती है। यानी शब्द अर्थ से आगे निकल जाने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ अर्थ भी शब्द को पराजित करने की मुद्रा में आगे बढ़ता है। अरे वाह। और इसी होड़ा होड़ी में जिस सौंदर्य का जन्म होता है जी, उसे हम साहित्य कहते हैं। वाह, बहुत बढ़िया जी। अब ज्ञान के अन्य शासनों में तो ऐसा नहीं होता, वहां शब्द के अर्थ नियत होते हैं। जैसे यदि भूगोल की किताब में हम धरती कहते हैं तो धरती का मतलब धरती होती है, लेकिन साहित्य की किताब में धरती के बहुत सारे संदर्भ हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, या फूल के बहुत सारे संदर्भ हो सकते हैं, लेकिन जो दूसरे साधन हैं ज्ञान के उनमें इस तरह से गुंजाइश नहीं है। यानी वहाँ अर्थ छवियों के इतने रूप नजर आने के मंजर नहीं है। अब यह देखें कि कक्षा कक्ष में साहित्य का इस्तेमाल या उपयोग कैसे होता है। जी बिल्कुल, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशेष करके शिक्षा शास्त्र के नजरिए से जी, कि भाषा की कक्षा में साहित्य का इस्तेमाल कैसे होता है। जी जी, असल में भाषा की कक्षा में साहित्य का इस्तेमाल विभिन्न प्रारूपों का अनुसरण करके होता है, जो साहित्य शिक्षण के उद्देश्यों और प्रथम भाषा या द्वितीय भाषा कक्षा कक्ष के व्यवहार पर आधारित होता है। मोटे तौर पर उन प्रारूपों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है जी। पहला है भाषा प्रारूप। भाषा प्रारूप भाषा विकास के लिए साहित्य का इस्तेमाल करता है, जिसमें शब्द भंडार और वाक्य संरचना शामिल है। इस प्रारूप की मुख्य खामी यह है कि इसमें कौशलों के विकास के लिए साहित्य सामग्री पर आधारित गतिविधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आनंद कम आता है, जो कि पढ़ने का प्रारंभिक उद्देश्य है। पढ़ने का प्रारंभिक उद्देश्य आनंद ही है और आनंद मिलना चाहिए जी। दूसरे प्रारूप की हम लोग चर्चा करें, जिसे हम साहित्यिक प्रारूप कहते हैं। इस प्रारूप का उद्देश्य विद्यार्थियों को साहित्य के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के बारे में ज्ञान और विचार प्रदान करना होता है। यह द्वितीय या विदेशी भाषा शिक्षण के संदर्भ में खास तौर से प्रासंगिक है। एक तीसरा प्रारूप भी है, जिसे वैयक्तिक विकास प्रारूप कहते हैं। इस प्रारूप का उद्देश्य साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना है, जो कि परीक्षा या कक्षा कक्ष पर केंद्रित नहीं हो, बल्कि विद्यार्थियों को खुद से पाठ्य सामग्री को चुनने और पढ़ने के लिए उत्प्रेरित करे। यानी उसके पास व्यक्तिगत समझ और संदर्भों का ऐसा विपुल खजाना हो कि उसमें यह समझ पैदा हो जाए कि वह विभिन्न साहित्यिक रचनाओं तक, पाठ्य पुस्तक से इतर जो उसके आसपास बिखरी हुई है, उस तक पहुंचने के लिए प्रेरित हो जाए। साहित्य शिक्षण के उद्देश्यों को किन प्रारूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है, उनकी कुछ वानगियों से आप परिचित हुए। किसी साहित्यिक रचना के प्रभाव वृत्त से वांछित उद्देश्यों यानी भाषाई कौशलों, सौंदर्यात्मक पहलुओं की समझ तभी हासिल की जा सकती है जब उसमें कुछ बुनियादी तत्वों का समावेश हो। अच्छा निरंजन जी, ये जो साहित्य की कक्षा में परिवेश, पात्र और पाठ की संरचना का क्या आशय है, क्या मतलब है? जी जी, हमारे शिक्षार्थी अपनी सामग्री में वर्णित इन तथ्यों को भी आपसे जानना चाहेंगे कि साहित्य की कक्षा में परिवेश, पात्र और पाठ की संरचना का क्या मतलब है? जी जी, यही बुनियादी तत्व हैं जिसके बल पर हम सौंदर्यात्मक पहलू या भाषाई कौशल को समझते हैं। तो उनमें कुछ की पहचान की जा सकती है, जिनका उल्लेख आपने किया, लेखन, परिवेश, पात्र, पाठ की संरचना के रूप में कर सकते हैं। आइए
यह समझने का प्रयास करें कि कोई रचना कैसे अपने प्रभाव वृत्त को रचती है। कई बार इसे ही रचना का ललित तत्व भी कहते हैं। ललित तत्व या लालित्य किसी एक अवधारणा में निहित नहीं होता, यह दरअसल अनेक विशेषताओं को समाहित करता हुआ अपनी मौजूदगी रचता है। उनमें से कुछ को हम परिवेश, पात्र और शैली के रूप में पहचान सकते हैं। हम यह देखने का प्रयास करें कि कैसे किसी रचना में इन तत्वों की पहचान हो सकती है या इन्हें समाहित कर कोई रचना कैसे अपना प्रभाव वृत्त रचती है। रचना के संदर्भ में लेखन कौशल का मतलब है लिखने का वह तरीका जिनके बल पर कोई रचना अपने विषयों, विचारों या अवधारणाओं को सहजतापूर्वक प्रकट कर सके। सृजनात्मक लेखन में प्रायः दो रास्तों में किसी एक रास्ते को अपनाया जाता है, कई बार दोनों के समन्वित रूप को भी अपनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि वे दोनों रूप कौन से हैं। उन्हें हम मोटे तौर पर सरल और आलंकारिक लेखन कह सकते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई एक ही श्रेष्ठ पद्धति है। जयशंकर प्रसाद प्रायः आलंकारिक शैली में लिखते हैं तो प्रेमचंद प्रायः सरल शैली में, और मजे की बात यह है कि दोनों एक ही समय में हुए, एक ही समय हुए और दोनों लगभग शाम में रोज ही मिलते थे। शाम में लगभग रोज ही शहर में रहते थे तो आसान था। जी जी, लेकिन दोनों की शैलियां अलग हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही रचनाकार के यहाँ दोनों तरह की लेखन शैलियां मिल जाती हैं। इस मामले में निराला बहुत बड़े कवि के रूप में याद किए जाते हैं। जैसे निराला की जूही की कली, राम की शक्ति पूजा की लेखन शैली आलंकारिक है, तो बाद की जो रचनाएं हैं जैसे भिक्षुक और कुकुरमुत्ता, उसकी लेखन शैली सरल मानी जा सकती है। जरूरत इस बात की है कि इन दोनों शैलियों को समझा जाए। इन्हें हम उदाहरण से समझें। आलंकारिक शैली का उदाहरण देखें। सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मेहराबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता है और NCERT से प्रकाशित वसंत के दूसरे भाग में है। यह एक शैली है, आलंकारिक शैली। सरल शैली का उदाहरण देखिए। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत कश वालों ने जब भी मिलकर कदम उठाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। साहिर लुधियानवी की यह कविता, यह भी NCERT के जो वसंत पाठ्य पुस्तक है उसमें संकलित है। तो ये दो पद्धतियां कविता लिखने की। उस अब परिवेश पर हम लोग बात कर लें। परिवेश का मतलब होता है कथा वस्तु या विषय वस्तु को उभारने के अनुरूप वातावरण की सृष्टि। इस विशेषता को अपनाए बिना रचना में जीवंतता नहीं आती। अन्य शब्दों में, यदि प्रसंग के अनुरूप परिवेश चित्रण न हो तब रचना की प्रभावान्विति संदिग्ध ही रहती है। जैसे प्रेमचंद की अधिकांश रचनाओं में किसानी जीवन का चित्रण है। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में खेतिहर समाज के अनेक दृश्य आसानी से मिल जाते हैं। उसी तरह निर्मल वर्मा आधुनिक जीवन के अकेलेपन और विसंगतियों के कथाकार हैं, लिहाजा उनकी कहानियों में प्रायः एकांत, पहाड़ की उदासी, अंधेरे की नीरवता, पार्क के अकेलेपन आदि के दृश्य मिल जाते हैं। साहित्य के अन्य विधाओं पर भी उल्लिखित बातों का प्रभाव देखा जा सकता है। साहित्यिक रचनाओं में एक तीसरा मंजर भी है, एक तीसरी बात भी है, उसे हम पात्र संयोजन कहते हैं। पात्र संयोजन के भी महत्व को समझने की जरूरत है। शास्त्रीय परिपाटी ने नायक नायिकाओं के अनेक खाने बनाए। मसलन नायकों के प्रकार बनाए गए धीरोदात, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदत्त। उसी तरह नायिकाओं के प्रकार भी बने, स्वकीया, परकीया, सामान्या आदि। पर इन विभाजनों में सामंती अभिरुचियां केंद्र में थीं। आधुनिक युग में पात्रों के संदर्भ सर्वथा बदल गए हैं।
अब किसान, मजदूर, भिखारी या कोई भी स्त्री पुरुष पात्रों के रूप में केंद्रीयता हासिल कर सकते हैं। एक अन्य तत्व की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है, जिसे हम पाठ की संरचना कहते हैं। पाठ की संरचना का मतलब है विधागत विशेषताओं या तत्वों का समग्रता में संयोजन। आपने विभिन्न विधाएं पढ़ी हैं, गद्य और पद्य की निजी विशेषताओं को भी आपने जाना है। संरचना के अंतर्गत विभिन्न शिल्प तत्व शामिल होते हैं, इनका समग्रता में संयोजन कर देने पर रचना समृद्ध होती है। ये सारी विशेषताएं हैं, और यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि कई बार ये जो रूढ़ियाँ हैं वह ध्वस्त भी कर दी जाती हैं किसी साहित्यकार के द्वारा। अनेक कालजयी रचनाकार कालजीवी होते हुए भी रचना में कालजयीपन का गुण पैदा कर देते हैं। साहित्य शिक्षण के द्वारा इन लक्ष्यों को हम प्राप्त करते हैं, और जिन लक्ष्यों को हम प्राप्त करते हैं उनके बल पर विद्यार्थी यह समझ विकसित कर लेता है कि वह संदर्भ और ज़रूरतों के मुताबिक औपचारिक अनौपचारिक भाषा के विभिन्न रूपों से परिचित हो पाए, विभिन्न किस्म की भाषा शैलियों से परिचित हो, वह जो सोचता है या सोचती है उन्हें सुंदर, प्रभावशाली और व्यंजनात्मक तरीके से व्यक्त कर सके। अच्छा निरंजन जी, ऐसा है कि जो हमारी पाठचर्याएँ हैं जो अलग अलग कालखंडों में विकसित की गई हैं, कुछ NCERT द्वारा, कुछ राज्यों द्वारा, क्या इन पाठचर्याओं में और या पाठ्यक्रम में, दोनों हालांकि के अलग अलग अस्तित्व हैं, पाठचर्याओं के भी और पाठ्यक्रम के भी, यह चर्चा का लंबा वितान हो जाएगा, तो आप संक्षेप में केवल हमें ये बताएं कि क्या इन साहित्यिक रचनाओं के बारे में हमारी पाठचर्याओं या और पाठ्यक्रमों में कुछ सूचनाएं दी गई हैं क्या, ताकि हम साहित्यिक रचनाओं की समझ उनके माध्यम से भी बना सकें। जी जी, बहुत अच्छी बात की तरफ आपने ध्यान दिलाया। देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की तरफ से, NCERT की तरफ से, जो एक तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है, और उसके अतिरिक्त जो आधार पत्र तैयार किए गए थे, जी जी, उसमें भाषा को लेकर भी आधार पत्र तैयार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पाठचर्याएँ जो बनी हैं कि जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं 1 से लेकर 12 तक, उसमें भी साहित्य के विभिन्न संदर्भों की चर्चा की गई है। अब वे जो दस्तावेज हैं वे हमें बताते हैं कि साहित्य के माध्यम से कौन से लक्ष्य आखिर हासिल किए जाते हैं। देखिए, जो पाठ्यक्रम बनाया गया है NCERT की तरफ से, उसमें इस बात का उल्लेख है कि साहित्यिक कृतियों के अध्ययन से क्या हासिल होता है। तो उसमें उल्लेख है कि विद्यार्थी का भाषा बोध और साहित्यिक बोध इस सीमा तक विकसित हो जाए कि उसमें किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास पैदा हो सके। वह पाठ्य पुस्तकों की परिधि के बाहर भी किसी रचना से जुड़कर उस पर भावनात्मक और बौद्धिक प्रतिक्रिया कर सके। वह तरह तरह के औपचारिक और अनौपचारिक विषय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के रूपों से परिचित हो और उनका प्रयोग कर सके। वह संदर्भ और आवश्यकता के अनुसार विभिन्न किस्म की शैलियों से परिचित हो सके। पाठचर्या इस ओर भी इशारा करती है कि विद्यार्थियों में इन कृतियों को पढ़ने के बाद, यानी पाठ्यक्रम में जो साहित्य की उपस्थिति है उसके बाद, उन्हें भाषा की ताकत का एहसास हो। बिल्कुल, वे इस बात को समझ पाएं कि भाषा के माध्यम से हम केवल संप्रेषण ही नहीं करते हैं, उसे सुंदर, प्रभावशाली, व्यंजनात्मक और पैने ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का भी प्रयोग करते हैं, तो इसकी समझ उसमें होनी चाहिए। साहित्यिक शिक्षण के द्वारा भाषा शिक्षण की दुनिया में अनेक नए आयाम जुड़ जाते हैं। भाषा के अभिधापरक अर्थ के साथ लक्षणा और व्यंजनात्मक शक्ति का स्पर्श होता है। अब यहाँ समझ लेने की ज़रूरत है कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना में फ़र्क क्या है। अभिधा का मतलब होता है कोशगत अर्थ, जो कोश में अर्थ दिया है, और लक्षणा में लक्ष्यार्थ होता है, यानी अभिधा में जो मुख्यार्थ है उसका कुछ मिलता है गुणधर्म, लेकिन लक्ष्यार्थ कुछ और होता है। जैसे किसी मजबूत आदमी को देखकर या मजबूत लड़के को देखकर हम कह सकते हैं कि देखो शेर आ रहा है, तो वह शेर तो नहीं होता है, पर शेर की ताकत उसमें होती है। एक तीसरी शब्द शक्ति भी है जिसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं, उसमें जो अर्थ होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं,
यानी उसमें कोशगत अर्थ भी नहीं होता है, लाक्षणिक अर्थ भी नहीं होता है, आप जो कहते हैं उससे एक तीसरा अर्थ निकलता हो जाता है। जैसे कहा जाए कि शाम हो गई और कोई उठकर बल्ब जला दे, रोशनी कर दे उस कमरे में, तो उसने नहीं कहा बल्ब जलाने के लिए और न ही उसके कथन से उसका कोई मेल जोल है गुणधर्म का, लेकिन शाम होने का एक तीसरा अर्थ लिया गया कि अब रोशनी कर देनी चाहिए। तो ये विद्यार्थी इन तीनों शब्द शक्तियों से परिचित हो साहित्य पढ़ने के क्रम में, यह उद्देश्य है। उसी तरह वह बिंबों को समझे, मिथकों और प्रतीकों की दुनिया से भी रूबरू हो, उनके आसपास तेजी से बनती संवरती वह दुनिया होती है जिससे अनेक रूपों में उसका जुड़ाव होता है। किताबों और परिवेश के इन विविध रंगी संदर्भों को प्रकट करने के लिए उसे अलग अलग तरह की भाषाई क्षमताओं को जानना समझना पड़ता है विद्यार्थियों को। जी, हम साहित्य शिक्षण के द्वारा उस सौंदर्य बोध को भी समझ सकते हैं जिनके द्वारा हर युग अपने को अभिव्यक्त करने के लिए अलग अलग अभिव्यक्तियों को संभव करता है। यानी हम लोग अब सौंदर्य बोध समझने की कोशिश करें। इसी बोध के आधार पर मशहूर कथा शिल्पी प्रेमचंद ने आधुनिक युग के सौंदर्य बोध की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया था। बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 1936 में लखनऊ में पहले प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए एक पर्चा पढ़ा था, बाद में उसे संकलित किया गया साहित्य का उद्देश्य नाम से। तो उसमें उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने हमारा ध्यान दिलाया है सुंदरता की ओर और कहा है कि हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी। अंतर किया है उन्होंने पुराने सौंदर्य बोध और नए सौंदर्य बोध में। कहा उन्होंने कि हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी। अभी तक यह कसौटी अमीरी और विलासिता के ढंग की थी। हमारा कलाकार अमीरों का पल्ला पकड़े रहना चाहता था, उन्हीं की कदरदानी पर उसका अस्तित्व अवलंबित था और उन्हीं के सुख दुख, आशा निराशा, प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता की व्याख्या कला का उद्देश्य था। उसकी निगाह अंतःपुर और बंगलों की ओर उठती थी। झोपड़े और खंडहर उनके ध्यान के अधिकारी न थे। उन्हें वह मनुष्यता की परिधि के बाहर समझता था। कभी इनकी चर्चा भी करता था तो उनका मजाक उड़ाने के लिए, ग्रामवासी की देहाती वेशभूषा और तरीके पर हंसने के लिए, उसका शीन काफ दुरुस्त न होना या मुहावरों का गलत उपयोग उसके व्यंग विद्रूप की स्थायी सामग्री थी। प्रेमचंद आगे कहते हैं कि वह भी मनुष्य है, उसके भी हृदय हैं और उसमें भी आकांक्षाएं हैं। यह कला की कल्पना के बाहर की बात थी। ध्यान दीजिए ज्ञानदेव जी, आप प्रेमचंद के इस कथन में साहित्य शिक्षण के द्वारा प्राप्त उस सामर्थ्य की बखूबी पहचान होती है जिसके बल पर हम बदलती दुनिया के सौंदर्य की शिनाख्त कर सकते हैं। साहित्य शिक्षण के उद्देश्य का संबंध उस समझदारी से भी जुड़ता है जिसके बल पर हम साहित्य बोध अर्जित करते हैं। जी, अभी तक हमने सौंदर्य बोध की बात की थी कि सुंदरता की कसौटी क्या हो। हर युग में सौंदर्य के अलग अलग मानक होते हैं। जैसे मध्यकाल में सौंदर्य का मानक दो भागों में विभाजित है। एक दौर रीतिकाल का है जिसमें सौंदर्य का मानक नायक नायिकाएं उन विलासी किस्म के प्रेम की तारीफ करना है, और जो एक और कालखंड है भक्ति काल, उसमें भगवान की भक्ति, भगवत विषयक भक्ति या आध्यात्मिकता जैसे लक्ष्य हैं। और जब आधुनिक काल की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे समाज में जो व्याप्त असमानताएं हैं या जो समानताओं को प्राप्त करने का जो रास्ता हो सकता है उसमें साहित्य की उपयोगिता क्या हो सकती है, इस बात को हम सौंदर्य बोध में शामिल करते हैं। तो सौंदर्य बोध की बात करने के बाद हमें साहित्य बोध पर भी बात करनी चाहिए। मतलब और जो साहित्य की बदलती हुई जो कसौटियाँ हैं, आप मुझे लगता है कि हमारे शिक्षार्थी आपको उस पर भी सुनना चाहेंगे, तो आप कृपया आगे बढ़ते हुए पाठचर्या के बाद साहित्य के इन विविध रूपों से परिचित कराते हुए साहित्य की जो बदलती कसौटियाँ हैं, जैसा अभी आपने बताया चार अलग अलग कालखंडों में, उस पर भी अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तो अब ये मैंने जिस तरह से आपसे चर्चा की, शिक्षार्थियों, जो हर युग का सौंदर्य बोध अलग होता है। किसी युग में सौंदर्य बोध भगवत विषयक भक्ति की ओर समर्पित हो सकता है, किसी युग में वह
सामंती प्रेम या विलास की तरफ समर्पित हो सकता है, किसी युग में वह आज़ादी के लक्ष्यों को पाने के लिए हो सकता है, किसी युग में वह अपने देश की व्यवस्था को और भी बेहतर करने की दिशा में उठ रहे प्रयासों की ओर सामूहिकता के सवालों को कैसे शामिल किया जाए इस दिशा में भी हो सकता है। तो सौंदर्य बोध बदलता हुआ रूप है, एक बदलती हुई अवधारणा है, लेकिन जो साहित्य हम पढ़ते हैं उसमें सौंदर्य बोध के साथ साथ साहित्य बोध को भी समझने की ज़रूरत है। साहित्य बोध आखिर है क्या? साहित्य की विभिन्न विधाओं को पढ़कर समझना साहित्य बोध का बुनियादी घटक है। इस समझ के दोहरे मायने हैं। पहला, किसी रचना विशेष को पढ़कर उसके भावार्थ को ग्रहण करना, और दूसरा, उसके शिल्पगत विशेषताओं जैसे भाषा, बिंब, प्रतीक, छंद आदि की पहचान करना। साहित्य के पठन पाठन से जहाँ विद्यार्थी हजारों नए शब्दों और उनके अर्थों से परिचित होता है, वहीं ध्वनि, शब्द, वाक्य और संवाद के स्तर पर भाषा की जटिल संरचनाओं से परिचित होकर उनके उचित प्रयोग की ओर प्रवृत्त होता है। साहित्य के प्रति सहज लगाव बच्चियों की रचनाशीलता को बढ़ा सकता है। साहित्यिक रचनाओं को पढ़ने सुनने से बच्चे स्वयं मौलिक लेखन की ओर भी उन्मुख हो सकते हैं। एक मौलिक लेखन के लक्ष्य को भी हासिल करना साहित्य पढ़ने का उद्देश्य होता है। एक कुशल शिक्षक इस दिशा में बच्चे या बच्चियों को प्रोत्साहित करके और उनका जहां ज़रूरत पड़े मार्गदर्शन कर भाषा शिक्षण में अनेक आयाम जोड़ सकते हैं। धन्यवाद निरंजन जी आज की इस चर्चा के लिए। शिक्षार्थियों, आज हमने साहित्य शिक्षण के उद्देश्य पर प्रोफेसर निरंजन सहाय जी की से यह बातचीत की, और हमें लगता है कि आपने इस विषय को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आपसे विशेष आग्रह है कि इस पर उपलब्ध स्वाध्याय सामग्री का अध्ययन जरूर करें, और वहाँ यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो फिर NIOS या अपने साधन सेवियों से संपर्क करने की कृपा करें। इस वार्ता में शामिल होने के लिए आप सब की ओर से आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर निरंजन सहाय जी, और आप सभी प्रशिक्षुओं का भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।